फोर्सेस के जवानों को, उनके ऑफिसर्स को, कि कैंसर के खिलाफ एक जो जंग का ऐलान किया है वो एक बहुत अच्छा कदम है। हमें अवेयरनेस होनी चाहिए और पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक अवेयरनेस पैदा करनी है कि कैंसर कितनी बुरी और ख़तरनाक बीमारी है, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज सब फोर्सेस के हमारे बहादुर जवानों ने इसकी शपथ भी ली है और साथ में आतंकवाद के खिलाफ एक जंग का ऐलान किया है। आतंकवाद भारत से काफ़ी मुक्त हो चुका है, हमने और मुक्त करना है। इसी चीज़ के लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। देखो, हमेशा इन चीज़ों की आवाज़ महाराष्ट्र से उठती है, बॉम्बे से उठती है। आपने देखा होगा जब 26/11 की भी घटना हुई थी, बॉम्बे का हर मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा पिता समान कोई राजनीतिक नहीं थी। अटैक के तीसरे दिन लाखों की तादाद में गेट ऑफ इंडिया इकट्ठे हुए थे। बॉम्बे एक ऐसी जगह है जहां पूरे देश का, हर दुनिया का हर व्यक्ति यहां पे रहता है और यहां उसके अंदर एक अवेयरनेस है। और यहां भी जो भी अवेयरनेस, चाहे आतंकवाद के खिलाफ हो, चाहे नार्को टेररिज्म के खिलाफ हो, वानखेड़े जी हमारे सामने जिन्होंने बहुत बड़ी जंग अभी भी लड़ रहे हैं, युवाओं को बचा रहे हैं, तो यहाँ से जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं कामयाबी का मंजिल जरूर पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में पहनाती है और इसकी जज्बा यहीं से शुरू होता है। मेरा तो हाथ जोड़ के सबको यही मैसेज है कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल से वहाँ भी हमें बच्चों को अभी से अवेयर करना है। देखो, आज सबसे बड़ी समस्या है, ना हमें खाने का पता है, ना पीने का पता है, ना उठने का पता है, ना बैठने का पता है। हम चलते जा रहे हैं इस रफ्तार की ज़िंदगी में। अगर हमने हिंदुस्तान को मजबूत करना है, हमारी फोर्सेस को मजबूत करना है, ताकि हमारे बच्चे किसी बीमारी के शिकार ना हों, वो बड़े होकर के भारत माता की सीमाओं की, देश की रक्षा करें। बच्चों को खाना पीना कैसे है, योगा कैसे करना है, इन चीज़ों की अवेयरनेस हमें साथ साथ रखनी है। सबसे पहले तो नन्ही गुल फाउंडेशन, हमारे जो वीर एनएसजी के जवान एंड एनएसजी फोर्स एंड द पैरामिलिट्री फोर्स, तो इनका फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू थैंक देम कि इतना शानदार, अच्छा इन्होंने आयोजन किया है मैराथन का। जो कैंसर के अवेयरनेस में मैराथन या फिटनेस इवेंट रखना, नथिंग इज़ बेटर देन दैट इन फैक्ट। सेकेंडली, वी ऑल नो हमारे देश में जो नार्कोटिक्स का इशू और टेररिज्म, और साथ में जो सबसे डेंजरस कनोटेशन है नार्को टेररिज्म का इशू, जिनके लिए हमारे बिट्टा सर जो है, हु इज़ अ लिविंग लेजेंड, उन्होंने जो जिस हिसाब से इनकी अवेयरनेस किया है, तो जिस हिसाब से हम लोग कैंसर को फाइट कर रहे, तो हमारे देश का ये दो मेजर कैंसर है, टेररिज्म और ड्रग्स, तो बोथ फिजिकली ऑल्सो, मेंटली ऑल्सो एंड हेल्थ वाइज ऑल्सो हमें कैंसर से फाइट करना चाहिए, एंड मैराथन से बेटर कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ड्रग्स पीना और बाकी के जो वाइसेस हैं, जो बाकी की बुरी हैबिट्स हैं, जैसे सिगरेट पीना, तंबाकू का व्यसन करना, तो ये सब एक बुरी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को शन करें, इन सब चीज़ों का त्याग दें, ताकि हम भारत को एक स्वस्थ पीढ़ी दें, जवान यूथ जो हमारे देश का एसेट है उसको और उजागर करें और उसको और ज़्यादा प्रोत्साहन करें। तो बहुत अच्छी पहल है, और ज़्यादा नहीं टाइम लेना चाहूँगा, वंदे मातरम, जय हिंद। देखिए, ये जैसा कि इट इज़ अ वेरी वेरी मेजर इशू आज के टाइम पे हमारे देश के सामने, मैंने पहले भी कहा है, नार्कोटिक्स एंड टेररिज्म, एंड ये इतना फैल चुका है स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो अवेयरनेस जैसा कि मैराथन हो रहा है, बाकी का अवेयरनेस नंबर वन सबसे ज़्यादा करना चाहिए। नंबर टू, जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं जहाँ पर यू नो गलेबल बच्चे होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर अवेयरनेस ज़्यादा स्प्रेड करना चाहिए। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि जो पैसे ड्रग्स के लिए स्पेंड होते हैं, हमारे देश के विरुद्ध गतिविधियां करने के लिए यूज़ होती है, तो जो ड्रग्स का सेवन करता है उन्हें ये चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट उजागर होना चाहिए कि आप ड्रग जब परचेज करते हो तो आप अपने देश के खिलाफ ही काम करते हो, तो इसकी सबसे ज़्यादा जानिब होना चाहिए, इसका ज़्यादा स्प्रेड होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।
देखिए, सबसे पहले हमारे बिट्टा सर, समीर वानखेड़े सर, हमारे एनएसजी के सीईओ, इंडियन आर्मी, यहाँ कमांडेंट मैडम भी आई हैं, हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र हैं, सो मैं सबको पहले थैंक यू करता हूँ। आप देखेंगे कि देश में जब 26/11 अटैक हुआ था, तो शायद अगर उस दिन एनएसजी मुंबई में होती तो जो 26/11 का जो घटना था वो एक घंटे में ख़त्म हो जाता। और हमें बहुत गर्व होता है कि हम किसी भी इवेंट में जो अपने साथ एनएसजी के लोगों को देखते हैं तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है। जैसा सर ने एंटी टेररिज्म और वानखेड़े सर ने एंटी ड्रग्स का शपथ दिलाया है, ये यूथ के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हम लोग का छोटा सा प्रयास है। आप देखेंगे हम लोगों ने G20 को इससे जोड़ा है, अभी G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, उसके अंदर एक सिविल 20 प्रोग्राम भी चल रहा है। एक छोटा सा प्रयास है कि जो यूथ है वो सही डायरेक्शन को समझे, अपने रियल हीरो को समझे कि भगत सिंह उनके रियल हीरो है, चंद्रशेखर आज़ाद उनके रियल हीरो है, बिट्टा सर जैसे लोग उनके रियल हीरो हैं, समीर वानखेड़े उनके रियल हीरो हैं। और एक मैराथन प्रयास है कैंसर अवेयरनेस के लिए, मुंबई यूनिवर्सिटी भी इसमें बहुत सपोर्ट की है, उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग सुबह सुबह आए हैं, और चूँकि आप लोग फोर्थ पिलर होते हैं संविधान के और आपके कारण ये मैसेज स्प्रेड होगा, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आज का जो ये कार्यक्रम है कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो इस वजह से क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से पूरे राष्ट्र में फैल रहा है और इसका एक ही रोकथाम का तरीका है कि अगर हम अवेयर हैं और दिमाग में दृढ़ निश्चय हो कि हमको ये नहीं करना है या इसको रोका जा सकता है या मैं कैंसर के साथ में लड़ सकता हूँ अपना फिजिकल फिटनेस से, तो डेफिनेटली ये चीज़ बंद हो सकती है। दूसरी चीज़, जैसे शपथ दिलाई थी नशा मुक्ति के बारे में, तो उसमें ये है कि आज का हमारा यूथ कुछ नया करना चाहता है और हर चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करता है, तो उसमें उसको कुछ खुशी सी महसूस होती होगी। लेकिन फिज़िकल एक्सरसाइज भी एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि आप जब अचीव करते हो तो आपको उस अचीवमेंट में जो खुशी प्राप्त होती है वो नशे से मिलने वाली खुशी से भी बहुत बहुत ऊंची खुशी होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे यूथ जो है उसको इस चीज़ की जानकारी हो, और इस तरह के बीच बीच में कार्यक्रम होते रहने से आदमी को वैसे पता होता है लेकिन बार बार बताने की आवश्यकता ज़रूर रहती है कि आपको उस लाइन में नहीं जाना है और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना है। तो यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं और मीडिया कर्मी जो हैं, उनके माध्यम से हम सभी मिलकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है जिससे कि जीता ना जा सके। लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने कि अपने दिमाग में विल पावर से उस चीज़ को हराया है, कैंसर के आगे बढ़े हैं और आज भी वो अपनी फिटनेस को बनाए हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। एक फोटो करना।